नमस्कार बच्चों, पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ गई हूँ। अध्याय चार वृद्ध मार्जार कथा, कक्षा सात विषय संस्कृत का। इस पाठ के बारे में इसके पहले वीडियो में भी हमने कुछ आपको बताया था, आज पुनः उसके आगे का भाग में आपके पहुंचाती हूँ। गिद्ध और बिलाव की कथा। अब ये कथा तो बाद में आएगी, पहले आप लग लगा उत्तर पुरुष के बारे में जान लीजिए, जिसका कर्ता है अहम आवाम अयम, हम दोनों, हम सब। किसी भी लकार का उत्तर पुरुष हो उसके साथ कर्ता हमेशा अहम आवाम अयम ही लगता है, या कहा जाए तो जहाँ ये कर्ता है अहम आवाम अयम अर्थात हम दोनों, हम सब, वहाँ क्रिया हमेशा उत्तर पुरुष की ही प्रयोग की जाती है। इस भाग में भी यही चीज है। इसके पहले वीडियो में हमने एक वचन कर्ता के बारे में बताया था, अब आगे आइए द्विवचन कर्ता हम दोनों के बारे में आपको बताते हैं। द्विवचन कर्ता जहाँ भी आवाम या द्विवचन का कर्ता होगा वहाँ हमेशा क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ लव लकार के बारे में बताया जा रहा है, लव लकार अर्थात भूतकाल बीता हुआ समय, तो लव लकार उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आवाम जयपुर दर्शनार्थम अगच्छाओ, हम दोनों जयपुर दर्शनार्थम, जयपुर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अर्थात देखने के लिए अगच्छाओ गए, हम दोनों जयपुर देखने के लिए गए। सर्वप्रथम सबसे पहले आवाम हम दोनों ने हवा महल को अपस्या देखा। सबसे पहले हम दोनों ने हवा महल को देखा। आवाम एकस्मिन विश्राम गृह अतिष्ठा, हम दोनों एक विश्राम गृह में अतिष्ठा ठहरे। एकस्याम भोजनशालायाम, एक भोजनशाला में, एक भोजन गृह में, भोजनालय में जलपान अपूर्व, जलपान किए। आवाम आनंदम अनुभवाम, हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया, आनंद अर्थात खुशी का अनुभव किया। एक बार पुनः देखिए, आवाम जयपुर दर्शनार्थम अगच्छा, हम दोनों जयपुर देखने के लिए गए। सर्वप्रथम सबसे पहले आवाम हम दोनों ने हवा महल को अपस्या अर्थात देखे। आवाम एकस्मिन विश्राम गृहे, हम दोनों एक विश्राम गृह में रुके। एकस्याम भोजनशालायाम, एक भोजनालय में जलपान अपूर्व, जलपान किए। आवाम हम दोनों आनंद का अनुभव किए। आप देखिए, अभी आपने द्विवचन कर्ता के बारे में जाना, कर्ता जहाँ भी द्विवचन है वहाँ क्रिया की द्विवचन का ही प्रयोग किया गया है। हर जगह ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ में द्विवचन कर्ता और द्विवचन क्रिया के बारे में बताया गया। अब क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष लग लगा उत्तम पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, तो क्रिया भी हर जगह लग लगा का ही प्रयोग किया गया। अपस्याव, अतिष्ठाव, अपूर्व, अनुभवा, ये सब लग लगा की क्रिया उत्तम पुरुष की। अब आइए वयम अर्थात हम सब। अभी आपने देखा आवाम द्विवचन का कर्ता, अब वयम बहुवचन का।
ज्ञाने अर्थात उद्यान में, अथावा अर्थात दौड़े, हम सब उद्यान में दौड़े। वयम हम सब मित्रय सह मित्रों के साथ अखेलां खेले, हम सब मित्रों के साथ खेले। वयम हम सब पादकंदुकेन, पादकंदुकेन का अर्थ है फुटबॉल, हम सब पादकंदुकेन फुटबॉल से अखेलां खेले, हम सब फुटबॉल से खेले। वयम सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा, हम सब सभी मित्र मिलकर क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में आदित्या नृत्य किए। तत्पश्चात उसके बाद हम सब पितृव्य गृहम चाचा के घर अगच्छाम आए, अगच्छाम अर्थात गए। उसके बाद हम सब चाचा के घर गए। हम सब उद्यान में दौड़े, वयम मित्रय सह अखेलां, हम सब मित्रों के साथ खेले। वयम पादकंदुकेन, हम सब फुटबॉल से अखेलां खेले। वयम सर्वाणि मित्राणि, हम सब सभी मित्र मिलकर क्रीड़ा क्षेत्रे अधिकतम खेल के मैदान में नृत्य किए। तत्पश्चात वयम पितृव्य गृहम अगच्छाम, उसके बाद हम सब चाचा के घर गए। अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। कर्ता बहुवचन का है क्रिया भी बहुवचन, लग लगात उत्तम पुरुष बहुवचन। अब आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम आपसे जुड़ेंगे।